अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं शादियों वाली रशियन कटलेट, जिसे रशियन कबाब भी कहा जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ली है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बिल्कुल हमें अच्छी तरह से चिकन को बॉईल कर लेना है, ताकि जब हम इसको श्रेड करें तो ये अच्छे से सॉफ़्ट होकर टूटना शुरू हो जाए। इस तरीके की हमें सॉफ़्ट बॉईल करनी है चिकन को। तो ज़्यादा पानी डालकर चिकन को हम बॉईल कर लेंगे। पानी ज़्यादा डाला है मैंने। तो ये देखिए, चिकन को मैंने निकाल लिया है। जो चिकन स्टॉक हमारा बच चुका है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इसको मैंने इसलिए ज़्यादा पानी डालकर चिकन को बॉईल किया था, क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स भी बॉईल करने वाले हैं। वेजिटेबल्स में मैंने गाजर ली है, इस फ्रेंच बीन्स ली है, कैप्सिकम ली है और कैबेज लिया है। इनको चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। तो इनको हमें बॉईल करना है, तो हम इसी चिकन स्टॉक में वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे। बिल्कुल भी आप अलग से पानी में वेजिटेबल्स को बॉईल नहीं करेंगे, चिकन स्टॉक में ही आपको बॉईल करना है, तभी इसका असली फ्लेवर आएगा। तो इसको पानी में डाल के इसको कवर कर देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे हम। इसमें नमक वगैरह कुछ ऐड मैंने नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने चिकन को बॉईल किया तो थोड़ा सा पाव चम्मच नमक डाला था। तो ये देखिए, चिकन वेजिटेबल्स हमारी बॉईल हो चुकी है। अक्खी अक्खी होनी चाहिए, और देखिए जब आप इसको दबाएं तो ये इस तरीके से टूटनी चाहिए। बिल्कुल मैश नहीं करना है हमें वेजिटेबल्स को। तो इस तरीके की वेजिटेबल्स हमारी बॉईल हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। और ये जो स्टॉक अभी बचा है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें से 1.5 कप स्टॉक जो है, ये वाटर हम इसको निकाल लेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कड़ी पत्ता डालेंगे। इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। जब ये हल्का सा सॉटे हो जाए, तब हम इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डालेंगे और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। और इसको भी अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। अदरक लहसुन भून चुका, अब इसमें 2 टेबल स्पून रवा ऐड करेंगे। और रवे को हमें अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। कंटिन्यू स्टर करें, वरना रवा जल भी सकता है। तो ये बिल्कुल भटियारा स्टाइल में आपको कटलेट्स बनाना बता रही हूँ। शादियों में इसी तरह से बनाई जाती है कटलेट। तो रवा हमारा भून चुका है, अब इसमें 3 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। रवा हमने लिया था 2 टेबल स्पून और मैदा हम लेंगे 3 टेबल स्पून। और मैदे को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कच्चापन याद रखिए, अच्छे से ख़त्म करने तक आपको भूनना है, वरना कटलेट का टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, मैदा फूल गया है भुनने के बाद। इस तरीके से फूल जाना चाहिए। अब वेजिटेबल्स और जो चिकन स्टॉक था, 1.5 कप चिकन स्टॉक हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून भरकर गरम मसाला डालेंगे। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। तो गरम मसाला, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची आपको ज़्यादा इसमें डालनी है। इसको मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर आपको भूनते रहना है। कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहना है। अगर आप छोड़ दोगे चलाना, तो ये जल जाएगा नीचे लगकर। तो कंटिन्यू उसको पूरा ठीक कर लेना है। अगर हम ऐसे गीला गीला रखेंगे तो कटलेट हमारी नहीं बनेगी, टूट जाएगी। तो ये देखिए, हल्का हल्का ठीक होना शुरू हो चुका है ये। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ठीक हो चुका है। इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब इसमें जो हमने श्रेड की थी चिकन को, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो चिकन को पीस कर भी डाल सकते हैं, या चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो बेल बटन को याद से दबाइए। बेल बटन को दबाने से जब मैं नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि चिकन का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो ये देखिए, फीलिंग बनके बिल्कुल रेडी है। इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसकी कटलेट्स बनाएंगे।
फीलिंग ठंडी हो चुकी थी तो ये इतने कटलेट्स मैंने बना लिए हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बॉल बना लें, उसको दबाते हुए सेट कर लें, फिर उसके बाद में आप इसको कटलेट का शेप दे दें। ज़्यादा मोटा आपको नहीं बनाना है, इसको पतला ही बनाना है। अक्सर आपने शादियों में खाए होंगे, पतली होती है और थोड़ी लंबा सा इसका शेप होता है, तो उसी तरीके का शेप मैं इसको दे रही हूँ। आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं, बट याद रहे कि इसको पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज ये बनते हैं, आपने शादियों में तो खाए ही होंगे, बिल्कुल उसी तरीके का इसका टेस्ट है। अंडा लिया है और ये मैंने वाइट वाली सेवई ले ली है, जो कच्ची सेवई होती है ना भटियारी, इसी का यूज़ करते हैं, इसी को लगाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक होती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। अभी ईद का टाइम है, रमज़ान का टाइम है, तो आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पर ये सेवई मिल जाएगी। तो सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर सेवइयों से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अगर शेप बिगड़ रहा है तो हाथों से साथ साथ शेप भी बनाते जाइए और सेवई को भी लगाते जाइए। अगर आपके पास वाइट वाली सेवई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्राउन वाली जो भुनी हुई सेवई होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे कटलेट्स को हमें अंडे में डिप करके फिर उसके ऊपर सेवइयों को लगा देना है। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, एक महीने के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, क्योंकि चिकन हमारी कुक है तो एक महीने तक आराम से रहेगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब तेल को गरम कर लेंगे और एक के बाद एक कटलेट्स हम इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको डीप फ्राई करना है, आपने इसको फ्राई पैन में फ्राई नहीं करना है, इसको ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन तो अंदर से पकी हुई है, सिर्फ हमें सेवइयों को कलर देना है बस। तो ये देखिए हमारी कटलेट्स फ्राई होकर रेडी हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं किचन टॉवल पर। तो देख सकते हैं आप बहुत ही मज़े के शादियों वाले हमारे रशियन कबाब और कटलेट बनकर रेडी हैं। लुक वाइज जितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मज़े के, और बिल्कुल इसे देखकर आपको शादियों की कटलेट की याद आ रही होगी। टेस्ट भी इसका उसी तरीके का है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसको ज़रूर बनाएं, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ये बेहद पसंद आने वाली है। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इस तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।